हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ फिनोमिना को डिस्कस किया था, कुछ नेचुरल फिनोमिना जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, कॉमनली हम जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं। नाउ अब रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंड होना। बेंड होना मतलब लाइट का अपने पाथ से अलग हो जाना, मीन्स लाइट को किसी और डायरेक्शन में ट्रेवल करने पे रिफ्रैक्शन उसे मजबूर करता है। इट मीन्स हम रिफ्रैक्शन की मदद से किसी भी लाइट रे को डाइवर्ट कर सकते हैं, उसका पाथ चेंज कर सकते हैं किसी भी लाइट रे का। ओके, सो ये जो पाथ चेंज करना है ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस चीज़ से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल स्पेक्ट्स। स्पेक्ट्स जो होते हैं, स्पेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे होता है उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन की मदद से ऐसा हम क्या करते हैं कि लाइट की रे का जो पाथ है वो अगर बेंड हो जाए तो वो हमारे किसी काम आता है। ओके, सो जैसा हमने रिफ्लेक्शन में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसे हमने नाम दिया था मिरर। मिरर क्या था? मिरर यूज होता था किसी भी लाइट की रे का पाथ चेंज करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। लाइट आपने देखा था कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से टकरा के अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। तो ये जो फिनोमेना था, जो मिरर से लाइट का पाथ बेंड होता था, ये बेंड होने की रीजन इज द रिफ्लेक्शन। वो मिरर के लिए था रिफ्लेक्शन, मतलब हमने रिफ्लेक्शन फिनोमेना को यूज करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया मिरर। उसी तरह से हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना को भी यूज करके कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना से जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसे हमने नाम दिया लेंस। लेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ्रैक्शन बोला, रिफ्रैक्शन मतलब क्या? लाइट का बेंड होना, लेकिन बेंड कहाँ पे होना? दो मीडियम्स के इंटरफेस पे बेंड होना। कैसे दो मीडियम? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम जब भी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम को कंसिडर करेंगे, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही हो सकता है। लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर सकती है वहीं पर रिफ्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो इट मीन्स लेंस क्या है? जैसा हमने मिरर को देखा था, मिरर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। मिरर इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। मिरर से लाइट टकरा के लौट जाती है, इट्स एन ओपेक मीडियम। लेकिन लेंस जो होता है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट डिवाइस। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? लेंस इज अ इट्स अ ट्रांसपेरेंट डिवाइस। एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस जो कि ट्रांसपेरेंट है। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि लेंस बेसिकली होता क्या है, ये व्हाट एग्जैक्टली इज लेंस, तो लेंस क्या होता है? लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ठीक है, लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच हैव अ प्लेन और अ कर्व सरफेस। सो वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ लेंस। इट्स अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल और सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिफ्लेक्टिंग है, और लेंस में हमेशा दो सर्फेसेस होते हैं। सो इट्स अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, देन वी कैन से इट हैज टू सर्फेसेस। इसके पास दो सर्फेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है और एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है। ये ट्रांसपेरेंट होता है पूरी तरह से, और ये जो सरफेस है, टू सरफेसेस, सरफेसेस कैन बी कर्व्ड और फ्लैट। कर्व्ड और फ्लैट मतलब कर्व सरफेस कैसी होती है? इस तरह से कुछ सर्कल, सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में, और फ्लैट सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर। तो इस तरह से सोचिए कि अगर मैं एक प्लेन मिरर और एक कॉनकेव मिरर को, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को चिपका दूं, तो वो कैसा बनेगा? एक ऐसा डिवाइस बन जाएगा जिसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कर्व है, ऐसा कुछ लाइक दिस। इट्स अ प्लेन सरफेस एंड ऐसा मैंने एक मिरर चिपका दिया, तो ये जो सरफेस बनी एक तरफ प्लेन होगी, एक तरफ कर्व्ड होगी। सो लेंस भी कुछ इसी प्रकार का होता है। लेंस में क्या हो सकता है? सरफेसेस या तो कर्व हो सकती है या फिर फ्लैट हो सकती है।
नाउ व्हाट डज दिस मीन एग्जैक्टली? इट मींस कि जो लेंस हमने एक बनाया, उस लेंस में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि ग्लास। वो लेंस क्या है? वो एक उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो खाली नहीं। लेंस क्या होता है? इट्स डिवाइस, एक ग्लास से बना हुआ एक डिवाइस है जो कि पूरे अंदर पूरे जिसमें ग्लास भरा होता है, इट्स फुल्ली ग्लास। अंदर कोई हवा नहीं होती, अंदर कोई एयर का या और किसी मीडियम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो पूरी तरह से ग्लास होता है। जैसे कि मैं मानता हूं कि मैंने एक ऐसी डिस्क ली ग्लास की, इस तरह की कुछ एक सर्क्यूलर डिस्क आपने एज्यूम करी, ऐसी सामने से देखने पे ऐसी गोल दिख रही है। सो इसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। ये कैसा व्यू है? उस स्फेरिकल, उस डिस्क का, सर्क्यूलर डिस्क का फ्रंट व्यू है। सामने से देखने पे ये सर्कल ऐसा दिखेगा, लेकिन जब मैं इसको साइड से देखूंगा, ये ऐसा टिल्ट करके, तो टिल्ट करके ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द साइड व्यू। इसे हम कहेंगे साइड व्यू। ओके, सामने से देखा तो ऐसा सर्कल, एक डिस्क। साइड से देखेंगे तो इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, ऐसा। मतलब ये थिक है, ये डिस्क थोड़ी सी थिक मानी हमने, ये पूरी तरह से ग्लास से बनी हुई है। अब फिर हमने क्या किया? फिर हमने इस ग्लास की, इस ग्लास को काटा। किस तरह से काटा? कुछ इस तरह से काटा, ऐसा कुछ। मतलब मैंने इतना पार्ट हटा दिया, इसको कट करा और इतना पार्ट इसका रिमूव कर दिया। जब मैं इतना पार्ट इसका रिमूव करूंगा तो जो बचेगा, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। दिस इज वॉट? दिस इज बेसिकली एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस है और एक तरफ कर्व सरफेस है। दिस इज अगेन, ये ऐसा व्यू दिख रहा है इसका साइड में, मतलब इस तरह से था, हमने काट दिया तो साइड व्यू। क्या हमने इसको सर्कल को छेड़ा? क्या हमने इसकी डिस्क को तोड़ा कहीं से? नहीं, हमने डिस्क को कहीं से नहीं तोड़ा, ये बिल्कुल सर्कल थी। सामने से देखने पे टिल्ट करके देखा तो ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा था, तो रेक्टेंगल को ऐसा कट कर दिया इस तरह से, और ये इस तरह से बन गया। अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो ये किस तरह से दिखना चाहिए? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा टिल्टेड है तो कर्व्ड है, लेकिन सामने से तो ये सर्कल ही दिखाई देगा। आपने देखा होगा जैसे जो थाली होती है, जो स्टील की थाली हम यूज करते हैं, उस थाली को अगर आप सामने से देखें तो इट विल लुक सर्कल, लेकिन जब आप उसको साइड में देखते हो तो उसका शेप थोड़ा सा अलग दिखता है, ऐसा टिल्टेड, कहीं से टेढ़ा रहता है या थोड़ा सा बल्जिंग रहता है बाहर से। या सिंपल आपका जो कटोरी होती है, कटोरी को भी आप सामने से देखें तो इट विल लुक सर्कल, लेकिन आप जैसे ही उसको टिल करके देखते हैं तो वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप दिखता है, ऐसा बाहर से आता हुआ और फिर ऐसा अंदर जाता हुआ। तो ये भी कुछ इसी तरह से था। तो हमने क्या करा? हमने यहाँ से इसको काट दिया। काटने से इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और ये जो चीज बनी, दिस इज नोन एज लेंस। इसे हम लेंस कहते हैं। इसे लेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये क्या है? ये पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का है। हमने कहा था कि हमने ग्लास की ये डिस्क ली है, दिस इज अ ग्लास डिस्क। इस ग्लास डिस्क को सामने से इस तरह से देखा तो इसके आर पार हम देख सकते हैं, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ये जो चीज है, अगेन ये भी वही है, ये इसी से तो बन के निकला है। सो ये क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके, तो लेंस क्या हो सकता है? लेंस की प्रॉपर्टीज है कि एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है, इसको रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, इसको दो सरफेसेस वाला होना चाहिए, और सरफेसेस कर्व या फिर फ्लैट कैसी भी चलेगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है कि हाँ, लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है क्योंकि ये ग्लास का बना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रांसपेरेंट डिवाइस है तो इट हैज टू, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इट शुड बी अ रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और उसके बाद दो सर्फेसेज हैं इसमें, हाँ दो सर्फेसेज है, दिस इज फर्स्ट सर्फेस एंड दिस इज द सेकेंड सर्फेस। ये दो सर्फेसेज हैं इसमें। और क्या एक सर्फेस कर्व फ्लैट दोनों में से कुछ है? हाँ,
एक सरफेस हमने देखा कि बिल्कुल फ्लैट दिख रही है और एक सरफेस इज कर्व सरफेस। तो इस तरह का जो सरफेस हुआ, इस तरह का जो लेंस हुआ, इसे हम नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इट इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस? प्लेनो मीन्स एक सरफेस प्लेन है, कॉन्वेक्स वी हैव स्टडीड, हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स मीन्स बल्जिंग आउट, बाहर निकला हुआ। तो क्या ये बाहर निकला हुआ है? दिस इज अ बल्जिंग सरफेस। यस, ये बाहर की तरफ निकली हुई है। सो इट मीन्स दिस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। सो दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नाउ अब ये जो चीज है, दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस ग्लास डिस्क। तो मैंने अभी इसे यहां से कट किया, क्या मैं इसे और कहीं से कट नहीं कर सकता? हाँ, मैं इसे और भी कट कर सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने इस ग्लास की डिस्क को ऐसा कट किया, कुछ इस तरह से। मीन्स हमने ये पार्ट उसका हटा दिया, ये पार्ट भी हटा दिया, ये पार्ट भी हटा दिया और ये पार्ट भी हटा दिया। चारों तरफ से हमने उसे कट कर दिया और कट करने के बाद सिर्फ ये बीच का पोर्शन बचा। सो दिस पोर्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से दिखेगा। अगेन साइड व्यू से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन सामने से देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो अब ये जो चीज बना, क्या मैं इसे लेंस कह सकता हूं? चलिए चेक करते हैं। कैसे कहेंगे? ट्रांसपेरेंट डिवाइस, हाँ ये है। रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, हाँ ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ग्लास का बना हुआ है। और दो सरफेसेस है, यस। सरफेसेस कर्व या फ्लैट है? यस, सरफेसेस कर्व भी हैं और फ्लैट भी हैं। नहीं, फ्लैट नहीं है, सॉरी, कर्व है। सिर्फ कर्व सरफेसेस हैं। कौन सी दो कर्व सरफेस है हमारे पास? एक इधर वाली, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, सो बताइए फर्स्ट सरफेस कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट सरफेस कैसी दिख रही है हमें? क्या वो सरफेस फ्लैट है? क्या वो सरफेस कॉन्वेक्स है? क्या वो सरफेस कॉन्केव है? कॉन्वेक्स सरफेस है। व्हाई इट इज सो कॉन्वेक्स? बिकॉज इट इज बल्जिंग आउट, ये बाहर की तरफ निकल रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। और ये जो सरफेस है, दिस वन, दिस इज अगेन अ कॉन्वेक्स सरफेस क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रही है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इट्स अ बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम कहेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस क्यों ऐसा कहा? बिकॉज बोथ द सर्फेसेस आर कॉन्वेक्स सर्फेसेस। नाउ अब जैसा हमने इसको एक जगह से एक को प्लेन काटा, एक को कर्व किया, दूसरी बार दोनों को कर्व किया, क्या और भी हम कुछ पैटर्न्स इसमें बना सकते हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं और अलग अलग तरह के लेंसेज हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेंस भी हम बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। कैसे बनाया ये? आपने इस पूरे रेक्टेंगल को, दिस रेक्टेंगल वॉज समथिंग लाइक दिस। इस पूरे रेक्टेंगल में से मैंने इतना सरफेस आउट कर दिया, इतना सरफेस हटा दिया, तो बचा क्या पोर्शन? बचा सिर्फ ये पोर्शन, दिस वन, दिस सरफेस। ये पोर्शन बचा। सो दिस इज अगेन अ लेंस, दिस इज ऑल्सो अ लेंस। क्यों? इट्स अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, इट हैज टू सर्फेसेस। ओके, सो वॉट आर द टू डिफरेंट सर्फेसेस? ये वाली सरफेस हमें प्लेन दिखाई देती है, और ये वाली सरफेस कैसी है? क्या ये सरफेस कॉन्वेक्स है? नहीं, दिस इज बल्जिंग इनवर्ड, ये अंदर की तरफ जा रही है, दिस इज गोइंग इनसाइड। तो ये अंदर जा रही है, इसका मतलब ये कौन सी सरफेस है? दिस इज अ कॉन्केव सरफेस। सो दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। इसे हमने नाम दिया प्लेनो कॉन्केव लेंस। क्यों?
क्योंकि एक सरफेस इसकी प्लेन है और एक सरफेस है इसकी कॉनकेव है, कॉनकेव सरफेस, और इसलिए क्योंकि ये लेंस है तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। ओके, सो लेंस हम बेसिकली क्या समझते हैं, लेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना है जिसके पास दो सरफेसेस होती हैं, दो सरफेसेस प्लेन हो सकती हैं या कर्व हो सकती हैं, और ये डिवाइस हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं इस डिवाइस की। कुछ कॉमन एप्लीकेशन जैसे कि इन डिवाइसेस को आपने कॉमनली कहाँ पे देखा है, कॉमनली आपने इसको स्पेक्ट्स में देखा है या फिर टेलीस्कोप में या फिर माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में होता है ये डिवाइस, माइक्रोस्कोप में होता है ये डिवाइस, इवन आपके मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में कहाँ पे होता है, मोबाइल के कैमरे में होता है, मोबाइल के कैमरे में एक छोटा सा ये लेंस लगा हुआ होता है। ओके, सो मोबाइल कैमरा कैमरे में होता है, देन प्रोजेक्टर में होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपकी आईज में भी होता है। इस लेंस की वजह से ही हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं, हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं। अगर हमारी आईज में लेंस नहीं होगा तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते, क्योंकि ये आई का जो लेंस है यही हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। आप खुद सोचिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जो आपके बिल्कुल सामने रखा है ऐसा, आप उसको भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है जैसे कि स्टार्स या मून, आप उनको भी बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है आंख में, ऐसे क्या मैजिक है आपकी आय में कि आप पास के ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। इट इज ड्यू टू लेंस, ये लेंस की वजह से, जो आप लेंस आपके आंख में होता है, आय में लेंस होता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आय का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये लेंस की वजह से ही आप आसपास की चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो दिस इज ओनली ड्यू टू द लेंस इन योर आय। ओके, आंख में एक नेचुरल लेंस होता है एंड विच इज नॉट मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, इट इज नॉट ऑफ ग्लास, ऐसा नहीं होता कि आंख के अंदर ग्लास फिट किया हुआ है कि वो ग्लास की वजह से आप देख पाए, ऐसा नहीं होता, उसमें अलग तरह का ग्लास होता है। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल व्हेन वी स्टडी अबाउट आई। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ लेंस, कि लेंस होता क्या है, बनता कैसे है, सामने से देखने पे कैसा दिखता है, साइड से देखे तो कैसा दिखेगा, या और कोई चीज हो सकती है लेंस, और किसी तरह का लेंस पॉसिबल है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, सो यू कैन नोट दिस। सो हमने ये देखा कि लेंस को आप कितने भी तरह का बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको सिर्फ उसे उस ग्लास को कट करना है और कट करके अलग अलग शेप्स में आप लेंस को बना सकते हो। लेकिन हमें जिन लेंस की स्टडी करनी है, हमें जिन लेंस को समझना है, उन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस, व्हाट आर दीज स्फेरिकल लेंसेस? जैसा हमने रिफ्लेक्शन में मिरर को पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, वी सेड कि स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट है, वो किसी स्फीयर से टुकड़ा है, एक स्फीयर से हमने निकाला है। सेम उसी तरह से हमें भी लेंस के बारे में भी अगेन वही डिस्कस करना है कि स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं। स्फेरिकल लेंसेस आर दोज लेंसेस विच आर अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, एक बड़े स्फीयर का एक टुकड़ा है, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल लेंस। किस तरह से होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट से ये आपका लेंस है, सामने से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, दिस इज द फ्रंट व्यू सामने से देखने पे, और साइड से देखने पे ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमने लेंस को बनाया कैसे था, हमने लेंस को बनाने के लिए इसको कट किया था। कैसा कट किया था, कभी सर्कुलर कट किया था, कभी स्फेरिकल कट किया था, तो कुछ इस तरह से इसको कट किया था। कुछ इस तरह से, तो
तो ये जो मैंने कट किया, मैंने इस सरफेस को इस तरह से कट किया, तो ये जो मैं कट करूंगा, दिस कट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ये पूरी सरफेस एक स्फीयर का पार्ट, ऐसा एक स्फीयर हो, उस स्फीयर का ये टुकड़ा हो, एक पार्ट हो ये स्फीयर का। ये वाली सरफेस, सरफेस वन हम इसे नाम दे देते हैं, और सिमिलरली जो दूसरी सरफेस है इसको हम नाम दे देते हैं सरफेस टू, एंड दिस शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ बिग स्फीयर, ऐसा कि हमने कट इस तरह से किया कि ये जो कर्व जा रहा है दिस शुड बी ऑफ अ स्फीयर। देखिए कर्व तो कितने भी तरह के हो सकते हैं, कर्व आप चाहे तो ऐसा कर्व भी बना सकते हैं, कर्व ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, एंड कर्व ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, बट ये जरूरी नहीं कि ये सभी कर्व जो हो वो ये स्फेरिक एक स्फीयर के पार्ट हो। कर्व मीन्स जस्ट अ टर्न अराउंड सर्फेस, इट्स नॉट अ फ्लैट। जो सर्फेस फ्लैट नहीं है वो कर्व है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सारी सर्फेसेस सर्क्यूलर ही हो। स्फेरिकल सर्फेस और कर्व सर्फेस में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। स्फेरिकल सर्फेस क्या होता है, जो कि स्फीयर से बन के निकली, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कर्व सर्फेसेस स्फेरिकल हो। ओके, सो दीज आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व सर्फेस, बट ओनली दिस इज अ स्फेरिकल सर्फेस, दीज आर नॉट स्फेरिकल सर्फेसेस। सो हमने इसको जब कट किया तो कर्व सर्फेस शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ये जो कर्व सर्फेस आई है दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये एक स्फीयर का टुकड़ा होना आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे एक स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं स्फेरिकल लेंस, वी कैन डिफाइन व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस, वी कैन से इट्स अ लेंस हुज सरफेसेस आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर, एक ऐसा लेंस जिसकी सरफेसेस किसी स्फीयर का पार्ट, इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्फेरिकल लेंसेस। नाउ स्फेरिकल लेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। नंबर वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड नंबर टू इज कॉनकेव लेंस। तो हमने रिफ्लेक्शन में भी जब मिरर के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि मिरर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो तरह के मिरर्स को ही पढ़ना था, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स, कौन से, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। सेम उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी हमें सिर्फ स्फेरिकल लेंसेस को डिस्कस करना है, एंड दैट टू ओनली कॉन्वेक्स लेंसेस एंड कॉनकेव लेंसेज। देर आर मेनी अदर काइंड ऑफ लेंसेज बट वी विल गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज टू लेंसेज। सो ये जो दो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ये बने किस तरह से, अगेन द प्रोसेस वॉज सेम, कि एक स्फीयर का एक सर्कल है, एक ग्लास का डिस्क है, उस डिस्क को सामने से देखने पर ऐसा दिखता है, और टिल्ट करे तो ऐसा स्क्वायर दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है। फिर हमने इसको कट किया, और कट इस तरह से किया कि जो कर्व सरफेसेस बन के निकली वो दोनों कर्व सरफेसेस शुड बी पार्ट ऑफ स्फीयर्स, वो अलग अलग स्फीयर या सेम स्फीयर के टुकड़े हो, ऐसा जरूरी है। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट द कॉन्वेक्स मिरर। दीज आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। वी विल डिस्कस फर्स्ट द कॉन्वेक्स मिरर, किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया। एक अगेन सेम, एक सर्कुलर डिस्क आपने अज्यूम करी, एक ग्लास की सर्कुलर डिस्क है जो कि थोड़ी सी थिक है, तो साइड से जब उसे देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कुछ इस तरह से दिखेगी, और इस डिस्क को हमने कट किया, इस डिस्क को ये ऐसा इसको कट किया। कट इस तरह से किया कि दोनों तरफ हमें कर्व सरफेस मिले, और कर्व सरफेस शुड बी अ पार्ट ऑफ स्फीयर। सो लेट अस कट इट समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा। सो इज दैट
दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ स्फीयर. This is first sphere and this is second sphere. ये ऐसा दो अलग spheres के दो parts और हमने फिर remove कर दिया this part. इस part को हमने remove कर दिया. So what we got finally? Finally हमें इसको अगर हम निकालें तो it will look something like this. ये कुछ ऐसा दिखेगा. सो दिस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस. इसे हम देख के इसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं. यस, दिस इज मेड ऑफ ग्लास. ओके, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना है. इस सामने से तो इस तरह से दिखेगा लेकिन जैसे ही साइड करेंगे, टिल्ट करेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो यू कैन सी कि ये एजेस पे बहुत पतला है. इसकी जो एजेस है ऊपर और नीचे, यहां पे ये बहुत पतला है लेकिन जैसे जैसे हम बीच में आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है. और जैसे जैसे वापस से नीचे जा रहे हैं वैसे ही ये वापस से पतला होता जा रहा है. सो आई कैन से दिस कॉन्वेक्स लेंस इज बेसिकली थिन at edges and thick at center. This is the center. So this is the center and यहां पर this will be the center. Side से देखने पर यह center कुछ ऐसा दिखेगा. यह ऐसा बना हुआ है, यह ऐसा गोल ऐसा हो रहा है disc. And it will look front something like this from the front. तो हमने देखा कि ये thin होता है edges पे और thick होता है center पे. इसी तरह से हमने दूसरा एक lens बनाया जिसे हमने नाम दिया concave lens. And concave lens किस तरह का है? This is a spherical lens. Why spherical lens? Because both the edges, both the curves are from a part of sphere. So let us try to draw this concave lens. Again, एक circle है, एक glass की disc है. देखिए, जब भी हम lens की बात करेंगे हमेशा ये मान के चले कि एक glass की disc को काट के ही lens बनाया जाता है. हमेशा ऐसा आप देखने को मिलेगा आपको. तो let us say this is a sphere. इस sphere में हमने क्या किया? इस sphere को side से देखा तो ये कुछ ऐसा दिखा. Something like this. और फिर हमने इसे कट किया एंड हमने इसको कट इस बार कुछ अलग तरीके से किया. We cut it something like this. हमने इसे कुछ ऐसा कट किया और ये सरफेस रिमूव कर दी. और कट किस तरह से किया कि ये जो कर्व सरफेसेस हैं This should be a part of sphere. ये किसी sphere को बना रही है, ये surface एक अलग sphere बना रही है, ये surface एक अलग sphere बना रही है. So these two surfaces are a part of sphere. Hence this is a spherical lens. अगर मैं इसे अलग कर दूं तो हम देखेंगे कि ये कुछ ऐसा दिखाई देता है. It will look something like this. कुछ ऐसा ही ये दिखाई देगा. So this type of lens is known as a concave lens. इसकी surface कैसी है? इसकी surface अंदर की तरफ है. इससे concave surface. It's यहाँ पे क्या है? Surface बाहर की तरफ है, bulging outwards. इसलिए इसको convex lens बोला गया और ये concave lens. Now इसकी हम property क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसे ध्यान से देखें
तो ये एजेस पे बहुत ही थिक है। जैसे जैसे हम सेंटर पे आते जाते हैं वैसे वैसे इसकी थिकनेस गिरती जाती है, और जैसे जैसे वापस एज पे जाते हैं थिकनेस वापस से बढ़ती है। हेंस दिस इज अ एंड दिस इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। ये एजेस पे बहुत थिक है और सेंटर पे बहुत ही ज्यादा थिन है। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज जिनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ऑन द बेसिक ये किस तरह से कॉन्वेक्स हुआ क्योंकि इसकी सरफेसेस आउटवर्ड्स बल्जिंग है, ये किस तरह से कॉनकेव हुआ क्योंकि इसकी सरफेस इनवर्ड है, ये बल्जिंग नहीं है, बल्जिंग होती तो बाहर की तरफ निकलती। सो दीज आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेस, सो यू कैन नोट दिस।